हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर्व विश्वकर्मा शिल्पकार संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समापन विश्वकर्मा समाज ही साकार करेगा आत्मनिर्भर भारत की संकल्प। सर्व विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित बैठक सर्किट हाउस में विश्वकर्मा वन जन राज्यसभा सांसद व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी रामचंद्र जांगरा के द्वारा 17 सितम्बर को रामलीला मैदान में विश्वकर्मा महासम्मेलन के कार्यक्रम संबंध में बैठक रखी गयी, जिसमें किशोर कुमार चौहान विधायक बेजलपुर, जगदीश भाई पंचाल विधायक निकोल एवं भगवान दास पंचाल वाइस चेयरमैन गुजराती स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विशेष अतिथि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार के राष्ट्रीय महासचिव कालू राम लोहार द्वारा कार्यक्रम आयोजन व संचालन किया गया। समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य अतिथि रामचंद्र जांगड़ा व विशेष अतिथियों का प्रतिमा साफा साल फूलों की माला बुके आदि देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की बैठक को संबोधित करते हुए सांसद जांगड़ा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज ईमानदारी के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद समाज के विकास के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई सकारात्मक कार्य किया और न कभी किसी सदन में आवाज उठाई। राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने पहली बार देश के उच्च महापंचायत राज्यसभा में शिल्पकारों की आवाज उठाई, जिससे देश का शिल्पकार विश्वकर्मा समाज काफी उत्साहित है। निर्माण से जुड़ा ये समाज कभी भी विध्वंसक नहीं रहा, ना कभी अपने अधिकारों के लिए भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं किया। सांसद ने बताया कि विश्वकर्मा समाज की शासन सत्ता में भागीदारी के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्वकर्मा शिल्पकार समाज का 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन एक महासम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। विश्वकर्मा समाज को अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की जरूरत है, परंतु ये सब तब तक संभव नहीं जब तक हम सामाजिक ताकत का एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं करते। राजनीतिक दलों की नज़र में विश्वकर्मा समाज की बड़ी आबादी होने का अवधारणा होनी चाहिए। ये बात किशोर भाई चौहान विधायक वेजलपुर ने अपने संबोधन में कहा। कालू राम लोहार ने संबोधन में कहा कि गुजरात में 12% आबादी वाला विश्वकर्मा समाज के विधानसभा में ही विधायक है, जबकि 15% अनुसूचित अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग की 40 से 45 विधायक चुनकर गुजरात विधानसभा में जाते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। सरकार में आदिवासी मछुआरों पशुपालकों के सामाजिक उत्थान के लिए इस वर्ष गुजरात सरकार द्वारा पेश बजट में आदिवासी वन बंधु कल्याण योजना के लिए 1,00,000 करोड़, कोली पटेल मछुआरों के उद्यान के लिए सागर खेड़ू कल्याण बोर्ड के लिए 50,00,000 करोड़, पशुपालकों के लिए 7,500 करोड़ का बजट आवंटन की घोषणा की। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिल्पकार समाज आर्थिक विकास में योगदान देने वाले इस समाज के साथ सरकार उनके उद्यान हेतु क्यों अनदेखी व सौतेला व्यवहार कर रही है? गुजरात सरकार का ध्यान किसान पशुपालक मछुआरों व्यापारी उद्योगपति आदिवासी दलित अल्पसंख्यक आदि वर्ग के उद्यान हेतु बजट व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाती है, क्योंकि ये समाज विधानसभा में प्रभावशाली विधायकों की संख्या बल होने की वजह से अपना प्रभाव डालकर बजट को अपने समाज के हित में ले जाती है। कुछ समय पहले पाटीदार समाज के प्रभावशाली अग्रणी द्वारा पाटीदार समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए व कोली पटेल समाज के प्रभावशाली नेता के द्वारा मछुआरों के संबंध में बयान देने पर केंद्र की मोदी सरकार ने 2 पाटीदार समाज व 1 कोली पटेल समाज के संसद को कैबिनेट मंत्री में शामिल करना पड़ा। इस शिल्पकार समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होने की वजह से आवाज आम लोगों की बात को दबाया जाता है। शिल्पकार समाज की सभी उपजातियां संगठित होकर विश्वकर्मा कारीगर के टाइटल पर सरकार के सामने एक आवाज तैयार करनी होगी और विश्वकर्मा कारीगर विकास बोर्ड मंत्रालय निगम का गठन करवाकर समाज के शिक्षा रोजगार व सामाजिक आर्थिक दृष्टि से समृद्धि व सुरक्षा के उद्यान हेतु लड़ाई लड़नी होगी। सभी पार्टी की सरकारों को इस शिल्पकार समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। बिना प्लेटफॉर्म के समाज संगठित नहीं हो सकती। कालू रामजी लोहार ने अपने संबोधन में सांसद रामचंद्र जांगड़ के सामने गुजरात शिल्पकार समाज के हित में अपनी बात रखी। सर्व विश्वकर्मा शिल्पकार विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों उद्योगपतियों
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद दीपक भाई पंचाल, राजेश्वरी बेन पंचाल, मुकेश भाई मिस्त्री, अलका बेन पंचाल, अलका बेन मिस्त्री, पतिक भाई पंचाल, तलोक के पार्षद कौशल गज्जर, रामलाल पंचाल, पूर्व वाइस चेयरमैन गुजरात हाउसिंग बोर्ड, हर्षद भाई पंचाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री राम पंचाल, अधिवक्ता नटवर भाई पंचाल, पूर्व राष्ट्रीय का सदस्य कार्यकार प्रकोष्ठ, महेंद्र पंचाल सूरत, अंकित भाई मकवाना पत्रकार, मालवीय लोहार समाज के कालूलाल लोहार, संपत जी लोहार, बाबूलाल लोहार, भोलीलाल जी लोहार, मोहनलाल लोहार, गणेशलाल लोहार, अमृतलाल लोहार, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष कमलेश कुमार सोनी, सोहनलाल सोनी, सतीश सोनी, सोनल बेन कंसारा, पूर्व पार्षद शिल्पकार, महासभा महिला सह संयोजक इंदरमल प्रजापति, कुंभकार महासभा, रविशंकर प्रजापत अध्यक्ष, रोहिड़ा प्रजापत, विश्वकर्मा मंदिर साबरमती के अध्यक्ष बाबूलाल सुथार, केसी मिस्त्री, नैनमल सुथार, लाला राम सुथार, दिलीप भाई सुथार, पिछड़ा वर्ग के शुभ चिंतक भरत भाई मेवाड़ा सुतार डाकौर, पीडी मिस्त्री नवीन भाई सोमपुरा, विर्मा भाई सुतार, वाव श्रद्धा अग्रिणी, गांधीधाम से मोहनलाल जांगिड़ महासभा प्रदेश अध्यक्ष, महावीर जांगिड़ महासभा अध्यक्ष अहमदाबाद, अशोक जांगिड़, दिनेश जांगिड़, मनोज जांगिड़, वेद प्रकाश जांगिड़, ओम प्रकाश जांगिड़, सुमित्राबेन जांगिड़, परसोत्तम जांगिड़, कृष्ण कुमार जांगिड़, गज्जर समाज के अग्रणी प्रदेश संयोजक हरेश भाई गज्जर, शिल्पकार महासभा वी युवा ब्रिगेड, हीरेन भाई मिस्त्री, मनोज भाई गज्जर, संजय भाई तलसानिया, विश्वकर्मा धर्म प्रचारक, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भरत भाई कड़िया सतवारा, समाज सचिव कौशिक भाई सतवारा, सुरेखा बेन सतवारा पत्रकार, कचरा भाई कड़िया, अनिल भाई कड़िया, महेश भाई कड़िया, पिंटा भाई कड़िया, भगवत भाई कड़िया, हिमांशु भाई सतवारा, सैकड़ों विश्वकर्मा समाज संस्था, सामाजिक अग्रणी एवं विश्वकर्मा समाज के मीडिया के मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।